हेलो फ्रेंड्स, वन संग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक और शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, जो कि मैं एक फ़ोन का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। उसका बॉक्स मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको देख सकते हैं फ्रेंड, इसी का मैं अनबॉक्सिंग फुल रिव्यू करके दिखाऊंगा। पोको M2 बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों, इसी का मैं अनबॉक्सिंग फुल रिव्यू, क्या क्या बॉक्स कंटेंट में मिलता है सारा चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और इसका रिव्यू भी लास्ट में दूंगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, वीडियो को आप देखते रहिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टेबल पर आ गए हैं और देख सकते हैं पोको M2 का दोस्तों यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, इसी का मैं आज अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। इंडियाज हैजटैग वन नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड का यहाँ दावा किया गया फ्रेंड्स, और वहीं पर इसकी इस साइड में देखें तो पोको M2 का ब्रांडिंग किया गया है, और इस साइड में दोस्तों यहाँ पर कुछ इसकी डिटेल्स मेंशन किया गया है। यहाँ पर इसकी प्राइस लिखी गई है, जो कि मैं इसका एक्चुअल प्राइस नहीं है, वीडियो के आगे देखते रहिए, मैं आपको एक्चुअल प्राइस इसका बताते रहूँगा। यहाँ भी पोको M2 का ब्रांडिंग दिया गया है दोस्तों, और इधर कुछ बारकोड्स वगैरह दिए गए हैं। वहीं पर फ्रेंड्स, इसके बैक साइड में आए तो देख सकते हैं पोको M2 का ब्रांडिंग दिया गया है, और कुछ मेन हाईलाइट्स दिए गए हैं, जिसमें 6.53 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले है, मीडिया टेक हीलियो G80 प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको देखने को इस फ़ोन में मिल जाएगा दोस्तों, और 13 MP का AI क्वाड रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा इसमें फ्रेंड। देख सकते हैं दोस्तों, 13+8+5+2 कैमरा सेटअप है फ्रेंड्स। और वहीं पर ये दोस्तों मेरे पास 6+64GB का वेरिएंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, और ब्लैक कलर में दोस्तों ये मुझे मिल गया है अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बॉक्स का ओवरव्यू, और इस सील को ब्रेक करते हैं और देखते हैं अंदर में हमें क्या क्या मिलता है। तो सिंपल से सीजर लेते हैं और इसकी सील को कट लगाते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं अब इसका सील को हटाने वाला हूँ, इसका कवर को हटाने वाला हूँ। 3, 2, 1, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे अभी कुछ नहीं मिला है। यहाँ एक सेक्शन मिल जाएगी, जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिम इजेक्शन टूल दिया गया है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन के अलावा और कुछ नहीं दिया गया है, इसमें कवर भी नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे मैं साइड में रखता हूँ, और देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मेन यूनिट है फ़ोन, इसे भी अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं और बॉक्स कंटेंट में क्या क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक USB Type-C केबल दिया गया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं एक अडेप्टर दिया गया है, जो कि 18W का है, जो कि फ़ोन को फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने में मदद करेगा, और 5000mAh की बैटरी है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज करके आपको दे देगा। तो इन सारे बॉक्स और एसेसरीज़ को साइड में रखते हैं और मेन यूनिट फ़ोन को देखते हैं किस तरीके का है फ्रेंड्स इसका फ़ोन। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस रैपर से हटाते हैं इस फ़ोन को तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल शानदार डिज़ाइन में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। और बैक साइड में देखें तो यहाँ पर फ्रेंड्स पोको की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और यहाँ देख सकते हैं 13 MP का मेन कैमरा है फ्रेंड्स, फिर 8 MP का है, फिर 5 MP का है, और 2 MP का भी एक डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है फ्रेंड्स, और उसके साथ LED फ्लैश लाइट यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ उसी के इसके राइट साइड में चलें, इसी फ़ोन के राइट साइड में, तो यहाँ पावर अनलॉक बटन दिया गया है, और वॉल्यूम ब्रोकर अप डाउन करने के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और बैक साइड में चलें, पीछे के साइड में, तो स्पीकर ग्रिल दिया गया है, USB Type-C पोर्ट दिया गया है, प्राइमरी माइक्रोफोन दिया गया है, और हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। वहीं पर इसके ऊपर साइड में देखें तो IR ब्लास्टर सेंसर दिया गया है, और सेकेंडरी माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस फ़ोन को करते हैं बूट। तो इसकी फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, 8 MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन बूट हो चुका है, और देखते हैं फ्रेंड्स इसमें कुछ फालतू ऐप्स दिए गए हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें भर भर के फालतू ऐप्स दिए गए हैं, जो कि मैं अभी इसे डिलीट करने जा रहा हूँ।
फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे फालतू ऐप्स और गेम्स को मैंने हटा दिया था, और यहाँ पर मैं अभी कैमरा टेस्ट करने जा रहा हूँ इसका किस तरह का कैमरा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इसके कैमरा का खोला हुआ है और देख सकते हैं बहुत अलग अलग मोड्स में अलग अलग तरीके से आप फ़ोटो और वीडियो बना सकते हैं। स्लो मोशन में वीडियो बना सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, वीडियोज़ फ़ोटो पोर्ट्रेट प्रो मोड में आप वीडियो और फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो कि मैं अभी इसका फ्रंट और रियर कैमरे का दोस्तों कुछ कैमरा सैंपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप अभी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके सेटिंग में, देखते हैं इसके फीचर्स को। तो अबाउट फ़ोन में चलते हैं फ्रेंड्स, ऑल स्पेक्स में चलते हैं। देख सकते हैं डिवाइस नेम पोको M2 दिया गया है। MIUI वर्जन देख सकते हैं फ्रेंड, MIUI वर्जन 11.0.4 है, एंड्रॉयड वर्जन 10 है फ्रेंड्स। और वहीं पर रैम के बारे में बात करें तो जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था आपको, 6GB का रैम है। और देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज के बारे में देखें तो 64GB की टोटल इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से 49.66GB आपको इंटरनल स्टोरेज यूजेबल है फ्रेंड्स। के बारे में देखें तो 6.53 इंचेस की फुल HD+ आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और उसी के साथ इसमें प्रोसेसर के बारे में बात करें तो MediaTek Helio G80 की प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगी फ्रेंड्स इस फ़ोन में। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से ये फ़ोन काम कर रहा है। और इस फ़ोन में फ्रेंड्स मीडियम सेटिंग पे आप गेमिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी फिंगरप्रिंट टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना फास्ट इसका फिंगरप्रिंट्स है फ्रेंड्स। देख सकते हैं इसे मैंने टच किया और फटाक से ओपन हो जाता है, बहुत ही फास्ट है फ्रेंड्स इसका फिंगरप्रिंट। तो चलिए फ्रेंड्स ये थे कुछ इसका अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार फ़ोन है अपने बजट में फ्रेंड्स। और इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको बता दूं, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने इसके बॉक्स पे पढ़ के बताया था, इसके बॉक्स पे तो 12,999 यानी कि 13,000 लिखा हुआ है, पर मुझे इतना में परचेस करने पर नहीं पड़ा है फ्रेंड्स। 10,499 रुपीज़ का ये फ़ोन आपको मिलने वाला है। और इस समय तो फ्लिपकार्ट पे सेल चल रहा है फ्रेंड्स, और ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड SBI का फ्रेंड उस पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी चल रहा है, और कुछ एक्सचेंज ऑफर भी इस फ़ोन पर चल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन। तो खैर मैंने इसी सेल के दौरान, बिग बिलियन डे सेल के दौरान, जो कि फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ा सेल होता है, उसके दौरान परचेस किया है। तो मुझे ये 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और ये फ़ोन मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इसके रिव्यू, और मैंने इसके सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।